नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया। इस मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे चेहरों को शामिल किया गया है जिनका नाम पहले से ही तय माना जा रहा था। इन्हीं नामों में से एक नाम था मध्य प्रदेश से आने वाले कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ने जब कांग्रेस से रिश्ता तोड़ा था तभी से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि पीएम मोदी उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। सिंधिया मोदी की टीम के अहम सदस्यों में से एक माने जा रहे हैं। ग्वालियर राजघराने से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को सियासत विरासत में मिली है। सिंधिया भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा परिवारों में से हैं जिनके पास राजशाही विरासत तो है ही, साथ ही राजनीति में भी उनका रसूख अब भी बना हुआ है। सिंधिया दूसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। बुधवार को हुए कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। मोदी सरकार में मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे पहले कांग्रेस में रहते हुए मनमोहन सरकार में भी वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं। सिंधिया अपने पिता माधव राव सिंधिया की मौत के बाद राजनीति में आए थे। 19 साल से ज्यादा के राजनीतिक सफर में सिंधिया कई अहम पदों पर रह चुके हैं। कभी कांग्रेस के सबसे बड़े और कद्दावर नेताओं में शामिल रहे सिंधिया की गिनती अब बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। 30 सितंबर 2001 को पिता माधव राव सिंधिया की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद 18 दिसंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय हो गए। 24 फरवरी 2002 को पिता की गुना सीट से चुनाव लड़कर 4,50,000 के रिकॉर्ड मार्जिन से थंपिंग विक्ट्री हासिल की और सांसद बने। 2002 की जीत के बाद वो 2004, 2009 और 2014 में भी सांसद निर्वाचित हुए। 2007 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किए गए। 2009 में तीसरी बार सांसद बनने पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 के चुनाव में वो अपने ही एक पूर्व निजी सचिव केपीएस यादव से हार गए। केपीएस ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में जब बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, परंतु पार्टी ने सिंधिया की जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी वजह से सिंधिया और कमलनाथ में तल्खी बढ़ने लगी। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल 11 मार्च को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंधिया के साथ उनके समर्थक 22 विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी, जिससे कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और आखिर में कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब उसका इनाम मिला है और उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। बता दें कि साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे। हालांकि साल भर बाद ही एक रूसी विमान की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, जबकि इस घटना में किसी की भी जान नहीं गई थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए इंडिया पब्लिक खबर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।